पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, पैन प्लैनेट, पैन गैलेक्सी, पैन यूनिवर्स स्टार ध्रुव सर्जिया उर्फ मॉर्टिन कितनी वाहियात और घटिया किस्म की फिल्म है इसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम मेरा प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हो कि यह वह टॉर्चर है जो तुम्हें अपनी एक्स के भी भयंकर प्रकोप से ज्यादा वाला प्रकोप दे सकता है। आई मीन थर्ड डिग्री टॉर्चर, तो इसके आगे कुछ नहीं है। तुम थिएटर में ही अपने आप को कोसोगे कि भाई मैं ही यहाँ था, मेरा दिमाग जो मैं यहाँ आया हूँ। इस फिल्म की तारीफ की भाई ये फिल्म कितनी बुरी है और कितनी ही ज्यादा घटिया लेवल की है वो तो हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के मेकर्स के बारे में। भाई जितनी ही घटिया पिक्चर है उतने ही घटिया इसके मेकर्स और गिरी हुई ऐसी हरकतें कि भाई आज मुझे ना पर्सनली KRK के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाइक की लाख बुराइयां हैं KRK में, उसने देशद्रोही 2 जैसी पिक्चर बनाई, बट बंदे ने कभी जो है यूट्यूबर्स को जिन्होंने देशद्रोही 2 के बारे में बोला कि ये बहुत अच्छी पिक्चर है, आई मीन जिन्होंने तारीफें करी इसको, नहीं स्ट्राइक तो कभी नहीं दी, मैंने ऐसा तो नहीं देखा है। उल्टा लौटा जो है बोलता है कि मेरी पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, हालांकि वो अलग ही एक यूनिवर्स का पार्ट है, बट स्टिल बंदे ने कम से कम ये तो नहीं बोला कि मेरी पिक्चर देखोगे तुम्हें गोली मार दूंगा। मतलब बात तो वही हो रही है ना कि अगर पिक्चर देख के आयो तो चुप पे बैठो, किसी से बताने का नहीं। जिसने भी फिल्म की तारीफें करी है उसको सीधा ही मेकर्स ने क्या करा, यूट्यूब तुम्हारी कम्युनिटी है ना, नहीं स्ट्राइक मारो इसको, ये कैसे बोल रहा है मेरी पिक्चर के बारे में, नहीं 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 ये नहीं, तूने बोला कुछ, स्ट्राइक मारो, प्रोडक्ट से स्ट्राइक, और कुछ लोगों को मैं दूंगा लीगल नोटिस, डरा दूंगा कि भाई पिक्चर का रिव्यू भी नहीं करना है, एंड करो तो भाई अच्छा ही बोलो। अब तुम एक बात तो सोच लो कि भाई लाख बुराइयां हो हमारे यूट्यूबर्स में, भले ही वो पैसे लेके प्रमोशन करते हो, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट भाई कोई ऐसी पिक्चर की तारीफ करने के लिए अगर तुमसे बोल दे जिसमें तारीफ करने के लिए कुछ हो ही ना, सिर्फ इतनी ही बात की तारीफ कर सकता हूँ कि मैंने इस फिल्म को 2.5 घंटे झेला है, मैंने इस पिक्चर को देखा है, ये इस फिल्म की सबसे बड़ी तारीफ है कि ये से पैसों का लालच समझ लो, वीडियो बनाने का लालच कि मैंने छोड़ा नहीं है, इससे ज्यादा तारीफ में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, तो भाई कोई कैसे ही कर देगा। एंड इसी वजह से ढेर सारे लोगों को लीगल नोटिस मिला है, मेकर्स लोगों को इस तरह से स्ट्राइक दे रहे हैं इस पिक्चर के बारे में बात करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने पिक्चर जो पब्लिक के लिए बनाई नहीं थी। अब वैसे मैं इनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि तुम अगर इतने ही ज्यादा जो है तुमको कंसर्न थे तो भाई जिस तरह से तुमने अपने आप से ही इस पिक्चर के आगे लिख दिया इंडियाज बिगेस्ट पैन इंडिया, बहुत ही घटिया पेशर्मी के साथ इंडियाज बिगेस्ट पैन इंडिया पिक्चर, उसके बाद बिगेस्ट एक्शन स्टार, उसके बाद बिगेस्ट रिलीज एवर, भाई चाइनीज स्पेनिश कोरियन जितनी लैंग्वेज तुमने सुनी नहीं होंगी उस लैंग्वेज में इन्होंने इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के लिए पिक्चर को रिलीज किया है। तो काम करते ना, इतना सारा सब कुछ खुद ही कर रहे थे, 150 करोड़ का बजट भी खुद से ही लगाया है भाई, लंदन में पैसा खर्चा किया है, कार और ट्रक जो है जो खिलौनों में मिलता है मेला वाले उनको जो है बड़ा करके ऐसा CGI मारा बहुत तगड़े लेवल से, तो इस पिक्चर को पब्लिक को दिखाने की जरूरत ही क्या थी, तुम खुद ही देख लेते एंड खुद ही रिव्यू देते, नहीं 10 स्टार इंडियाज बिगेस्ट अवतार 2 का कलेक्शन। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि जब तुमने खुद से ही कलेक्शन भी दिए हैं कि 100 करोड़ कहाँ से हुए, मंगल ग्रह से, मुझे नहीं पता, यहाँ से मैं पैसे निकालता हूँ, पब्लिक पिक्चर ने यहाँ से पैसे कमाए हैं, तो डायरेक्टली जो है खुद ही देख लेते ना, पब्लिक को भेजे ही क्यों पब्लिक के बीच में। आदिपुरुष भले ही सदी की सबसे वर्स्ट फिल्म कही जाए लेकिन उनके मेकर्स ने कम से कम ये तो नहीं किया कि भाई मेरी पिक्चर देखोगे तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आई थिंक भाई मैं तो आ रहा हूँ ने वीडियो कैसे बना लिया, यह तो बात वही हुई कि तुम इंटरनेट में फिर चीजें रखी क्यों रहो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक इंडस्ट्री के कुछ लोग जिन्होंने एक इंडस्ट्री को स्पेसिफिक इतना सपोर्ट किया हो तुम्हें बात नहीं समझ में आई, तो हिंदी रिव्यूअर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सूरज कुमार जिनको इन्होंने स्ट्राइक मारी है, BNFTBPJ एक्सप्लेंड, शांतनु प्रसर सर जो है भाई साहब हमारे, ट्राइडेंट रिफ्यूज के जैमी भाई को, इन सबको जो है अप्रोक्सीमेटली स्ट्राइक्स आई है, वीडियोज उड़ा दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं स्टार्टिंग एक बंदे से करूँ एज लाइक कि सूरज कुमार, यह वह बंदा है जिसने KGF चैप्टर 1 को उस टाइम पर सपोर्ट करा था, उस टाइम पर इस फिल्म को हाइप दी थी जब बंदा अपने पीक पे चल रहा था, व्यूज भी अच्छे आ रहे थे, एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री को कोई जान भी नहीं रहा था। इवन कि मैं अगर एक चीज बोल दूं तो ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी कि जितनी ज्यादा साउथ की फिल्मों की आज के टाइम पे हिंदी मार्केट में हाइप है उसमें से 60% जो है हमारा योगदान रहता है हिंदी रिव्यूअर्स का, एज लाइक वो छोटी छोटी डिटेल्स पे बात करते हैं, एंड लाख बुराइयां भले ही हो सूरज कुमार में उनका पर्सनल जो भी करते रहते हो, बट एक क्वालिटी जो उस बंदे की कभी तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो वो है अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करना, एज लाइक कि जो ऐसी ऐसी साउथ की फिल्मों को उस बंदे ने रिव्यू किया है जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जब इन यूट्यूबर्स ने तुम्हारी इंडस्ट्री को, मैं पर्सनली किसी एक इंडस्ट्री को नहीं बोल रहा हूँ, पूरी साउथ इंडस्ट्री को इतना अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, इनके बदौलत तुम आज हिंदी ऑडियंस के बीच में लाइमलाइट लेके आ रहे हो, लेके जा रहे हो, तो तुम्हारा यह रवैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अंत नजदीक है। साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी
प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ऊपर हुई ट्रोलिंग को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि उनकी फिल्म अगर अच्छी नहीं बोली है किसी ने तो वो उसको लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, वो जो है बोल सकते हैं कि पब्लिक का टेस्ट खराब है। मतलब सबसे पहले तो तुम एक घटिया फिल्म बनाओगे, किसी फिल्म को कॉपी करने के चक्कर में तनिक भी दिमाग नहीं लगाओगे, दो पकौड़ी का VFX कुछ चीजें सब कुछ इग्नोर करके रख दोगे और उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लोग उस फिल्म की जो है तारीफ करें, एंड अगर नहीं करते हैं तो तुम उनके वीडियोस को टेक डाउन करवा दोगे, उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लोगे, नोटिस लोगे। इससे क्या समझाना चाहते हो तुम इंडस्ट्री को कि भाई लोगों को डर के रहना पड़ेगा? एज लाइक कि कुछ गवर्नमेंट्स भी ऐसा ही करते हैं कि उनके खिलाफ कोई जर्नलिस्ट छाप दे तो भाई फिर तू साइड हो, तेरे को वैल्यू ही नहीं है, जो तारीफ कर रहे हैं बस वही अपने हैं। कुछ लोग यहाँ पर बोलने के लिए आएंगे कि पूरी साउथ इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि साउथ इंडस्ट्री की 2-3 बहुत तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है। फर्स्ट ऑल ये एक ही पायलट पे काम करना चाहते हैं, कुछ फिल्मों का भूत इन पे इतना सवार है कि ये उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उन्हीं को कॉपी करने के चक्कर में बार बार ये गड़बड़ करते हैं, इतनी ज्यादा गड़बड़ कि यहाँ से निकालना पड़ जाए, एंड उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इनकी फिल्म को कोई ट्रोल भी ना करे। ऐसा कि अभी देवरा आई थी एंड ये साल लग रहा है कि साउथ इंडस्ट्री जो है हमें ट्रॉमा देने के मूड में ही है। 2021 कोविड लेके गया, 22 और 23 की तो बात ही मत करना, 22 में तो कुछ और घटिया फिल्में आई, 23 में आदि पुरुष काफी थी, एंड अभी का साल जो ऐसा आ रहा है 24 का, इसमें अभी सबसे पहले हमने जो है डबल स्मार्ट शंकर देखा है, उसके बाद अभी हाल ही में हम जो है देख के आ रहे हैं देवरा, खैर वो तो उतनी ज्यादा घटिया नहीं थी, एंड मार्टिन का तो ट्रॉमा तुम जान ही रहे हो। कुछ हिट फिल्मों की कहानी को पकड़ के बार बार तुम एक ही जैसी पिक्चर बनाने की कोशिश करते हो, गड़बड़ होती है तो तुम्हें ट्रोलिंग में नहीं चाहिए, तो भाई तुम्हें चाहिए ही क्या, अपनी पिक्चरें अपनी टेरिटरी के पास रखो, तुम्हें क्या ही जरूरत है हिंदी मार्केट में रिलीज करने की, बिकॉज आपकी हिंदी मार्केट के पास अच्छा खासा ब्रेन है, यहाँ की ऑडियंस सोचती है, भले ही वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर एक्शन फिल्मों की कमर्शियल फिल्मों की कमी होने के कारण वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट स्टिल आज भी हिंदी ऑडियंस फिल्मों में स्टोरीज चीजें ढूंढती है, टेक्निकल एस्पेक्ट, ये नहीं कि वहाँ पे एक दिन के लिए थिएटर बंद कर दिया जाएगा, हीरो की पिक्चर है उसे भगवान की तरह पूजा जाएगा, यहाँ कॉन्टेंट ही सर्वोपरि है। तो अगर तुम्हें हिंदी सिनेमा में फिल्में रिलीज करनी है हिंदी मार्केट में तो कॉन्टेंट अच्छा लेके आओ, वरना ट्रोलिंग झेलने की क्षमता रखो, अदरवाइज फिर तो गरिया ही जाओगे और कोई नहीं बचा पाएगा। खैर तुम्हारा इस सब चीजों के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो और कुछ बातें समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 30K करवाओ, एम करते हैं मे भी आज हो ही जाए, लेट्स सी।